भाई लोग, फाइनली वेनम 3, वेनम द लास्ट डांस फिल्म हमारे इंडिया में एक दिन पहले रिलीज हो चुकी है और वेनम 3 ये वेनम यूनिवर्स की लास्ट फिल्म होने वाली है। तो क्या वेनम 3 में हमें सोनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन दिखने वाला है और क्या वेनम ट्रिलॉजी का अंत सही तरीके से हुआ है या फिर वेनम 3 भी वेनम 2 के जैसे हाथी की बड़ी सी टट्टी है, चलिए देखते हैं। तो भाई मुझे आज भी याद है जब मैंने वेनम 1 का ट्रेलर देखा था, जहां ट्रेलर में हमें वेनम की एक हार्ड आर रेटेड मूवी प्रॉमिस की थी, बिल्कुल कॉमिक बुक के कैरेक्टर के जैसे। वेनम का इविल नेचर और ढेर सारा ब्लडी एक्शन दिखाने का वादा सोनी ने वेनम 1 के टाइम पे किया था, लेकिन फिर उन्होंने वेनम की पूरी ट्रिलॉजी को ही आर रेटिंग से PG-13 किया और इन तीनों फिल्म्स में स्पाइडरमैन, जो कि वेनम के स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो ही मिसिंग है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वेनम 3 को अगर एक लाइन में रिव्यू करूं तो वेनम 3 एक डिसेंट सी फिल्म है, जहां आपको ब्रेनलेस CGI मॉन्स्टर्स का एक्शन दिखेगा और टॉम हार्डी और वेनम का बड़ी रोमांस और रोड ट्रिप वाले कुछ सीन दिखेंगे और हां कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी, जहां ऑब्वियसली ये वेनम ट्रिलॉजी का अंत तो है लेकिन टॉम हार्डी के कैरेक्टर एडी ब्रॉक का नहीं, जो मोस्टली हमें स्पाइडरमैन 4 या फिर किसी और सोनी यूनिवर्स के फिल्म में दिखने वाला है। वेनम 3 वेनम लेट देयर बी कार्नेज जितनी घटिया तो नहीं, लेकिन वेनम ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट फिल्म है, जहां आपको वेनम हॉर्स, वेनम मछली जैसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें बिग डैडी नल कैरेक्टर की, तो उसका सिर्फ सेटअप और टीज ही हमें वेनम 3 में दिया है, जो मोस्टली रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4, जो कि मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, तो स्पाइडरमैन 4 का विलन नल का कैरेक्टर हो सकता है। मैं वेनम 3 को 6/10 रेटिंग दूंगा, यानी कि एक ऐसी CGI एक्शन फिल्म जिसे देखने के लिए आपको दिमाग बंद करके एंजॉय करना होगा। बाकी हाँ, ये वेनम ट्रिलॉजी को सेटिस्फैक्टरी एंड देती है। वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन तो नहीं दिखेगा, लेकिन स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ हिंट्स जरूर मिलेंगे। आपको वेनम 3 ये फिल्म कैसे लगी कमेंट कीजिए, और बैटमैन 2 में कितने ज्यादा विलन होने वाले हैं जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें। मैं जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।